जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश श्रीधर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम अपनी सीरीज चला रहे थे, जो सीरीज है वो प्रीवियस ईयर पेपर की है, जो 2020 में आपके पेपर हुए हैं, आपके 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है, हम उनको कवर कर रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देते हैं क्वेश्चंस पेपर में आएंगे कैसे, ठीक है? तो अगर आप उनको नहीं करते हो तो बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है इस एग्जाम का कि वो आपसे क्या पूछ लेगा। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम पूरे प्रीवियस ईयर जितने भी आपके 2020 में जितने भी पेपर हुए हैं, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर करवाऊंगा। आपकी इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन फिर पेपर में आ सकता है, ठीक है? तो आप बने रहिए बिल्कुल, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियोज में 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लीजिए, ठीक है? जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर करे थे, ठीक है? कि जो 22 तारीख का ये पेपर है, ठीक है, आपको नेट पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे आपको ये मिल जाएगा। कई सारे लोगों की एक और शिकायत थी कि सर हिंदी में, तो मेरे पास अभी ये पेपर हिंदी में अवेलेबल नहीं है। मैं अभी हिंदी में डाउनलोड कर लूँगा, तो अगले पेपर से हम इसको हिंदी में डिस्कस कर लेंगे, कितना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, वो ये पूछा है कि बस एक किंगडम थी, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ बस किंगडम। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बस एक क्या थी, आपकी किंगडम रही थी, एक साम्राज्य था, उसकी राजधानी कौन सी थी, क्वेश्चन ने पूछा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं तो 6th सेंचुरी BC की बात है सर। कब की बात है? 6th सेंचुरी BC। तो 6th सेंचुरी BC में अगर हम देखेंगे तो होगा क्या, 16 किंगडम बनेंगी भारत में। कितनी किंगडम बनेंगी? 16। नॉर्थन रीजन में अगर आप देखोगे, भारत के उत्तर भारत में देखोगे, तो 16 बड़ी बड़ी महाजनपद क्या आएंगी, उभर कर आएंगी। 16 महाजनपद उभर कर आएंगी, ठीक है? और ये 16 महाजनपदों में से चार पांच ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, या चार पांच ऐसी थी जो बहुत शक्तिशाली थी, पावरफुल थी। उसमें से मगध भी एक था, ठीक है? तो इसमें से सबकी कैपिटल्स हैं, ठीक है? कौन कौन सी, कौन कौन की कैपिटल्स हैं, इंपॉर्टेंट बात है, हम देख लेते हैं अभी। तो अगर हम बात करें तो बस की जो कैपिटल थी वो थी कौशाम्बी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उत्तर प्रदेश में है अभी कौशाम्बी। तो बस जो था वो बहुत पावरफुल था, मतलब इन 16 किंगडम्स में से एक बस ऐसा था जो काफी पावरफुल रहा है, ठीक है? इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, आपकी कौशाम्बी थी। अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जो मगध था, जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, और उसके बाद में 16 में से सबसे पावरफुल होके निकला कौन निकला, मगध। उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। और उज्जैनी आपको पता ही है, जो वेस्टर्न साइड में अवंती था, जो वेस्टर्न साइड में कौन था, अवंती, उसकी कैपिटल कौन सी थी, उज्जैनी थी, ठीक है? तो ये क्या है, कैपिटल्स थी और 16 महाजनपद थी। आप इतना याद रखिए, कितनी महाजनपद थी, डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, कितनी महाजनपद थी या कितनी महाजनपद थी 6th सेंचुरी BC में। तो 16 महाजनपद थी, ठीक है? और इनका जो रेफरेंस है, इनका जो पता चलता है हमको, एक किससे पता चलता है, तो अंगुत्तर निकाय है, ये भी आप याद रख लेना, अंगुत्तर निकाय। इट्स अ बुद्धिस्ट एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट क्या है आपका, एक आप ऐसा मान सकते हो, बुद्धिस्ट की एक किताब है, बुद्ध लोगों की एक किताब है, अंगुत्तर निकाय। उसमें इसका जिक्र मिलता है कि 16 महाजनपद थी। कितनी महाजनपद थी? 16, ठीक है? तो ये आप याद रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल लिख लेना, बिल्कुल पेपर में आगे आ सकता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है लोकसभा की, उसका चेयरमैन कौन होता है, क्वेश्चन ने पूछ रहा है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है सर, याद रखना। अब कई सारे बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिजनेस, बिजनेस का मतलब है कि लोकसभा का बिजनेस, मतलब लोकसभा का जो काम होता है चलाने की एक कमेटी है, लोकसभा का काम किस टाइप से चलेगा उसकी एक कमेटी है, उसको चेयर कौन करता है। तो जाहिर सी बात है यार, लोकसभा में जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, वो डिसाइड करने वाला कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, कौन होगा, स्पीकर। तो ये चीज आप याद रखना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, आपका लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको लिख लें, पेपर में बिल्कुल आ सकता है आगे। अगला क्वेश्चन है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, बैटल ऑफ खानबा। बैटल ऑफ खानबा कौन से साल में हुआ था? तो अच्छा क्वेश्चन था, साल पूछा गया है आपसे, तो आपको बता देता हूँ, बैटल ऑफ खानबा पहले तो किस किस के बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा जो थे उनके बीच में, ठीक है? बैटल ऑफ क्या हुआ था आपका, खानबा हुआ था, ठीक है? अगर हम देखें तो 1526 में बाबर पानीपत का क्या लड़ता है, वॉर लड़ता है,
करेगा बाबर जो था वो फर्स्ट बैटल लड़ेगा पानीपत का कप 1526 में, जिसको किसको हराएगा, ये इब्राहिम लोदी को हराएगा, ठीक है। उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। उसके बाद 1527 में इसका युद्ध होगा राणा सांगा से, जिसको हमने बोला है बैटल ऑफ खानबा। इसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ खानबा बोलते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद 1528 में बाबर का एक और युद्ध होगा, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें एक किसको हराएगा, मेदिनी राय। इट्स एन अनोदर इम्पोर्टेंट किंग ऑफ राजपूत, ये राजपूत का एक अलग एक इम्पोर्टेंट राजा हुआ था, ठीक है। मेदिनी राय इसको ये 1528 में हराएगा। एक अब हुआ आपका 1528, बट इट इज एन इम्पोर्टेंट बैटल, एक खुद एक इम्पोर्टेंट बैटल है। पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ चंदेरी किसके बीच हुआ था या कब हुआ था, तो याद रखना 1528 में ये बाबर के बीच में और मेहंदी राय के बीच में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, 1528 में हुआ था, तो ये या आप याद रखना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ एशियन गेम्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो एशियन गेम्स से आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कब स्टार्ट हुए, नए एशियन गेम्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट आप इसको भी एक फैक्ट के तौर पर अपनी कॉपी में नोट कर लें कि एशियन गेम्स में मास्कट, मास्कट आप जानते हो शुभंकर होता है। शुभंकर मतलब कोई भी गेम्स में एक ऐसा चिन्ह घोषित कर दिया जाता है जो मतलब उस गेम्स का क्या है, साइन है। तो मास्कट की परंपरा जो थी वो एशियन गेम्स में कब से चालू हुई, तो 1982 का जो टाइम था उससे मास्कट की जो परंपरा थी, जो इंट्रोडक्शन था मास्कट का, ठीक है। शुभंकर का जो इंट्रोडक्शन कब से हुआ, 1982 से। आप याद रखना एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में आपके आ सकता है। पार्ट्स की बात हो रही है, क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कौन सा ऐसा आपके संविधान का भाग है जो आपकी SC ST, जो आपकी अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनसे रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से क्या है आपका रिलेटेड है। तो याद रखना आप 10th पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट आपका 10th पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। आपका क्या बोलते हैं, आर्टिकल शायद मैं भूल रहा हूँ, बट आप याद रखना कि जो 10th पार्ट है, ठीक है, और जो किससे रिलेटेड है आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से क्या है आपका रिलेटेड है। क्योंकि पार्ट से एक ऐसा सेक्शन है जो काफ़ी स्टेटिक है और कॉन्स्टिट्यूशन का, और काफ़ी क्वेश्चन पार्ट से आते हैं पेपर में। तो आप इधर से अगर हम देखेंगे तो देखो ये पार्ट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 12th पार्ट है। और 12th पार्ट किससे रिलेटेड है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, पर कौन से रिलेशन है ध्यान रखना, फाइनेंस से रिलेटेड है। ये वर्ड आप पकड़ लेना बस, ठीक है। अगर आपको 12th पार्ट दिखता है, दो पार्ट आप याद रखना इसमें, एक तो 11th पार्ट और एक 12th पार्ट। 11th पार्ट में क्या है, सेंट्रल का मतलब केंद्र का और राज्य के संबंध है, सेंट्रल और स्टेट के क्या है रिलेशन है। और जो 12th पार्ट है उसमें भी रिलेशंस है, मतलब सेंट्रल स्टेट के रिलेशन है, पर कौन से रिलेशन है, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखना, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप 11th पार्ट और 12th पार्ट याद रखना, बिकॉज 11th और 12th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, ठीक है। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड तो है ही है, साथ ही साथ जो 12th पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पार्ट है पूछा है डेट इज 14th पार्ट। तो अगर 14th पार्ट की मैं बात करूँ तो 14th पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सर्विसेज है, जो सर्विसेज हैं, जो UPSC है, जो सेंट्रल की सर्विसेज हैं, आपकी स्टेट की सर्विसेज हैं, ठीक है, उसका जिक्र कहाँ पर आपको मिलता है, आपका 14th पार्ट में मिलता है। इसमें ये आपका UPSC आएगा, इसमें ये आपका स्टेट PSC आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों का जिक्र आपको कौन से पार्ट में मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 14th पार्ट में मिलता है। ये चीज़ आप याद रखना, कौन सा पार्ट है, 14th पार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर 15th पार्ट की बात करूं, मैं आपको पूरे पार्ट यहीं पर बता देता हूं, आप नोट करते जाइए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 15th पार्ट की अगर बात करूं तो 15th पार्ट में आपके इलेक्शन है, इलेक्शन मतलब यहां पर इलेक्शन कमीशन आ जाएगा आपका, ये सब चीज़ें आपकी कहां कौन से पार्ट में कवर होंगी, 15th पार्ट में कवर होंगी। कौन सा पार्ट है, 15th पार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और 16th पार्ट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस है, SC ST और एंग्लो इंडियंस वगैरह, ये जो छोटे मोटे लोग, जो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना, उनके लिए क्या है आपके स्पेशल प्रोविजंस है, कौन से पार्ट में, 16th पार्ट में, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजंस, विशेष उपबंध जिसको हम बोलते हैं, वो 16th पार्ट में है।
15 पार्ट रिलेटेड टू द इलेक्शन जिसमें आपका इलेक्शन कमीशन है, 14th पार्ट रिलेटेड टू द सर्विसेज जिसमें आपकी यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत स्टेटिक क्वेश्चन था, नेक चंद्र सैनी, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम दिया था, नेक चंद्र सैनी किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं कि भैया बताइए कि रॉक गार्डन कहाँ पर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए चंडीगढ़ में है, ठीक है, रॉक गार्डन, और एक किसने बनाया हुआ है आपका नेकचंद्र सैनी जो है, इन्होंने क्या करा है कि क्या बनाया है आपका, क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया है। काफी स्टेटिक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल लिख लीजिए, आगे फिर से रिपीट होने की पूरी पूरी क्या है पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिकमिंग, एक बुक पूछी है बिकमिंग कि एक किसकी बुक है, तो ये सिंपल बुक है, मिशेल ओबामा, जो आपके बराक ओबामा की पत्नी है, उन्होंने बुक लिखी है बिकमिंग, ठीक है, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द वुमन, ठीक है, और तो उनकी एक बुक है मिशेल ओबामा की, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, वो दोबारा से आपके पेपर में आ सकती है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट करके लिख लीजिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक इंडियन क्रिकेटर है जिसका नाम है नदकर्णी, बापू नादकर्णी, वाज नोन फॉर बॉलिंग अ रिकॉर्ड 21 मैडन ओवर, भाई बताओ क्या ही, मतलब क्या बॉलर रहा होगा, 21 मैडन ओवर टेस्ट मैच में 21 मैडन ओवर फेंके हैं भाई ने, उसका नाम क्या है, आप नाम याद करो क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जाएगा आप आगे कि बताइए ऐसा कौन सा इंडिया का खिलाड़ी था जिसने 21 मैडन ओवर फेंक दिए थे, तो आप इसका नाम याद रखना, बिल्कुल लिख लेना, बापू जी थे, ठीक है, और बापू जी ऐसा कर सकते हैं, तो बापू नदकर्णी जो थे उन्होंने 21 मैडन ओवर फेंके थे, ठीक है, किसके खिलाफ फेंके थे, 1964 का टाइम था, बहुत पुरानी बात है, 1964 में किसके खिलाफ फेंके थे, तो इंग्लैंड के खिलाफ, उस टाइम एक ही टीम खेलती थी भाई, या तो इंग्लैंड खेलेगी या ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, ये बात याद रखना, या वेस्ट इंडीज से हम बहुत बाद में खेले, बट ये जो पुराने टाइम में हम मैच एक ही टीम से खेल सकते थे वो इंग्लैंड से थे, ठीक है। तो ये किसके खिलाफ इन्होंने क्या बोलते हैं 21 मेडन ओवर फेंके थे, वो थी इंग्लैंड की टीम, ठीक है, तो इसको आप याद रखना, स्टेटिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर एप्पल, अगर सेब को काटने के बाद आप देखते हो जो सेवल होता है, एप्पल होता है, उसको हम काटते हैं तो वो थोड़ा सा ब्राउन इस टाइप का हो जाता है या कट जाता है, तो वो किसके कारण होता है, कौन सा एंजाइम के कारण होता है, तो इसको याद रखना, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, इसको आप, इसको भी आप लिख के रख लो, इट्स अ स्टेटिक क्वेश्चन, आ सकता है पेपर में दोबारा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करंट का है, वी कैन नॉट सॉल्व इट। अगला क्वेश्चन है कि वेद्दा, इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेद्दा एक जनजाति है, वेद्दा, और ये वेद्दा जनजाति कहाँ की है, तो याद रखना ये श्रीलंका में पाई जाती है, जो वेद्दा जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल आप नोट कर लें, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनजातियों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में लगातार आते हैं और पूछे जाएंगे आगे भी, ठीक है, तो वेद्दा जो जनजाति है वो कहाँ से रिलेटेड है आपकी, श्रीलंका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेटिक क्वेश्चन भी है, कि प्रोफेसर हु वॉन द नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2019 इज द ओल्डेस्ट नोबल लॉरेट ओवर, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2019 में केमिस्ट्री में एक प्रोफेसर ने नोबल प्राइज जीता, जो अभी तक का सबसे मतलब सबसे सबसे ज्यादा एज में नोबल प्राइज जीतने वाले प्रोफेसर हैं, तो वो कौन थे, तो याद रखना ये गॉर्डन गुड इनफ है, इसको आप याद रख सकते हो, गुड इनफ से भैया, गुड इनफ, इनफ मतलब इनफ 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 मतलब हद कर दी भाई ने, मतलब बिल्कुल गुड, 98 साल में इन्होंने क्या जीता था, नोबेल प्राइज जीता, मतलब बिल्कुल मरने वाला था उस टाइम, इन्होंने क्या जीता है, नोबेल प्राइज जीता है, और ये स्टेटिक क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे ओल्डेस्ट कौन है जिसने नोबेल प्राइज जीता है, तो याद रखना कौन है, गुड इनफ है, इनफ से आप इसको याद रखें कि इनफ मतलब इनफ ही हो गई है, ठीक है, कब जीता, 98 साल में जीता है, किसकी फील्ड में जीता है, तो केमिस्ट्री की फील्ड में जीता है, कब जीता है, 2019 में जीता है, ठीक है, आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, सिंपल क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो गांधी जी की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जब गांधी जी ने जब अपना मूवमेंट स्टार्ट करा था, गांधी जी 1892 में, आपको बता देता हूँ, गांधी जी 1892 में कहाँ पर गए थे, साउथ अफ्रीका जाते हैं, एक शेख अब्दुल्ला था उसका
केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। मतलब आप सोचिए, गांधी जी इतने बड़े लॉयर थे कि जहां पर उनको कोई भी केस नहीं मिल रहा था तो वो साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका इंडिया से बेकार जगह है, ये चीज आप याद रखना। अच्छी जगह नहीं है, विदेश है पर बेकार विदेश है, आप ऐसा याद रखो। तो ये साउथ अफ्रीका गए, ठीक है। साउथ अफ्रीका में इनके से बहुत बेकार सी बेइज्जती कर दी इनको, इनको उतार मुतार के फेंक दिया, इनकी बहुत बेइज्जती टाइप की हुई। तो इन्हें महसूस होया क्या, नहीं यार अपन तो गलत जगह आ गए। तो वहीं पर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था नाटाल इंडियन कांग्रेस। नाटाल एक जगह है साउथ अफ्रीका में, प्रोविंस है वहाँ की। ये नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, कब करी वो याद रखना, 1894 में करी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे फिर ईयर को लेकर कि नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने करी थी, कब करी थी। तो आप याद रखना, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी जी ने करी थी। इनका पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब जो छुआछूत, आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ पर इंडियंस के साथ, भारतीयों के साथ साउथ अफ्रीका में, उससे लड़ने के लिए इन्होंने पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। कब बनाया था, 1894 में। कहाँ बनाया था आपका, साउथ अफ्रीका में बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये बोलते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल है जो हमारी बॉडी को जरूरत है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो मैक्रो मतलब जिसकी ज्यादा जरूरत है हमारी बॉडी को, और माइक्रो मतलब जिसकी जरूरत है बट कम क्वांटिटी में जरूरत है, ठीक है। तो दो टाइप के मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है, एक तो मैक्रो मिनरल्स होते हैं और एक माइक्रो होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कौन से मैक्रो मिनरल की हमारी बॉडी में जरूरत है, इनमें से बता दीजिए कौन से मैक्रो है। तो याद रखना मैं आपको बता देता हूँ, एक तो कैल्शियम, सबसे पहला आप याद रखना कैल्शियम जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है, मैक्रो है, ध्यान रखना। कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये दोनों आपको पता ही होगा, दोनों कंबाइन रूप से पाए जाते हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों मैक्रो मिनरल हैं। इनकी लगभग ग्राम में, 1-2 ग्राम, ग्राम बहुत होता है यार, 1-2 ग्राम में जरूरत होती है हमारी बॉडी को, किसकी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। उसके बाद आते हैं सोडियम और पोटेशियम, बस चार आप याद रखना, चार से आपका काम हो जाएगा। चार ऐसे मिनरल है जो मैक्रो, मैक्रो मिनरल जिनको हम बोलते हैं, या मैक्रो में इनकी जरूरत है हमारी बॉडी को, मतलब इनकी कमी हो गई तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। मतलब कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, ये चार मैक्रो मिनरल आप याद रखना। उसके बाद जितने आपके मिलते हैं आयरन, आयोडीन, जिंक, ये सब माइनर क्या है, माइक्रो है। इनकी इनकी हमें मिलीग्राम में जरूरत होती है, इनकी हमें कितनी, किस में जरूरत होती है, मिलीग्राम में, बहुत कम मात्रा में इनकी क्या होती है, हमको जरूरत होती है, आयोडीन की, आयरन की, जिंक की, ठीक है। पर ये जो चार हैं इनकी जरूरत हमें माइक्रो में होती है, ठीक है। तो ये माइक्रो मिनरल कहलाते हैं, कैसे मिनरल कहलाते हैं, माइक्रो मिनरल, ठीक है। इनको आप बिल्कुल अच्छे से देख लेना, ये भी करंट का क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन है, बता क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बताइए रज्मनामा में किस एक हिंदी बुक का ट्रांसलेशन हुआ। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि अकबर के टाइम, एट द टाइम ऑफ अकबर, याद रखना अकबर के टाइम एक क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया गया था। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है इसको, ट्रांसलेशन को मिलते हैं, ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट बनाया गया। क्या अकबर को, आपको पता है अकबर एक ऐसा राजा रहा है जो बिल्कुल सेकुलर टाइप का था। उसने बोला यार बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं हिंदी में, हिंदी किताबों को आप पर्शियन में, फारसी में क्या करो, अनुवाद करो। तो अनुवाद विभाग की स्थापना करी अकबर के टाइम हुई, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया गया अकबर के टाइम, और उसमें कई सारी हिंदी बुक जो थी उसका ट्रांसलेशन हुआ। उसमें जो आपकी रामायण और महाभारत थी, इट्स मेनली रामायण और महाभारत, उनका ट्रांसलेशन हुआ था। एंड किसके नाम से हुआ था, रज्मनामा, रज्मनामा मेनली महाभारत के लिए वर्ड यूज करा गया है, ध्यान रखना। बट रामायण का भी इसी वर्ड्स में क्या हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था, आप इसको याद रखना। पर महाभारत आता है, रामायण दोनों ही पेपर में आते हैं, तो आप महाभारत पर टिक करोगे। तो महाभारत का किसमें, किस नाम से ट्रांसलेशन करा गया, रज्मनामा में करा किसने गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बद्युनि, बद्युनि नाम का एक स्कॉलर रहा था उस टाइम, बद्युनि नाम का एक स्कॉलर रहा था, उसने किसका, आपका महाभारत का रज्मनामा में क्या करा, ट्रांसलेशन करा, ये आप याद रखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। अगला क्वेश्चन है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मुझको नहीं लगता कि आगे पूछा जाएगा, फिर भी आप इसको एक बार लिख लें। घो फॉर मैन एंड कैरा फॉर वुमन, ये कपड़े हैं जो पहने जाते हैं, कहाँ पर पाए पहने जाते हैं, मतलब गो टाइप के कपड़े बिल्कुल ही बेकार हैं जो मैन पहनते हैं, आदमी लोग पहनते हैं, और केरा,
टाइप के जो कपड़े हैं वो वुमन लोग पहनती हैं, कहाँ पर पहनती हैं, तो ये भूटान में पहने जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर पहने जाते हैं, भूटान में, आप इसको लिख लें, आई डोंट थिंक कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में दोबारा से आ जाएगा, बट आप इसको लिख के रख लें एक आइडिया के लिए, अगर आता है तो आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करंट से पूछा गया है, करंट से पूछा गया है कि एमएसपी कितनी, गवर्नमेंट ने क्या करा था, कितनी कितनी एमएसपी करी थी, तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे, करंट का क्वेश्चन है, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे फिर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस पर बहुत बवाल है, अभी किसान आंदोलन हो रहा है और इस पूरा किसान आंदोलन इस चीज़ पे ही हो रहा है, एमएसपी पे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे फिर क्वेश्चन आ सकता है, और इससे क्वेश्चन जो आएगा वो ये आ सकता है कि इसको डिसाइड कौन करता है, तो आप याद रखना CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करके कमीशन, एग्रीकल्चर का, कृषि का एक कमीशन है, डिपार्टमेंट है जिसका नाम है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, CACP, आप इसको याद रखें, 1966 में बना था, 1966 में कमीशन बना है, ठीक है, CACP आप याद रखें, ये जो कमीशन है ये एमएसपी को क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है, तो कौन कमीशन को डिसाइड करता है, CACP करता है, और जो आपका सोइंग सीजन होता है बोने के पहले ही, आप इस चीज को भी याद रखें, कई सारे लोगों को जो किसान होंगे उनको पता होगा बट उनको भी नहीं पता होता, आप याद रखें बोने के पहले ही, मतलब सोइंग सीजन जो होता है बोने की पहले ही एमएसपी डिसाइड कर दी जाती है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एमएसपी कब डिसाइड कर दी जाती है, तो आप याद रखना कि बोने के पहले ही हमारी एमएसपी क्या होती है, डिसाइड कर ली जाती है, ठीक है, कौन करता है, CACP करता है, बट फाइनल फाइनल एमएसपी कितनी होगी एक गवर्नमेंट के हाथों में रहता है, पर रिकमेंडेशन कौन करता है कि एमएसपी गेहूं पे एमएसपी इतनी हो, चावल पे एमएसपी इतनी हो, एक कौन डिसाइड करता है, आपका CACP, जो कब बना था, 1966 में बना था, ये चीज आप याद रखना। अगला क्वेश्चन सिंपल था, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो आप सबको पता है अजीत डोभाल है और अभी भी हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन फिर करंट से पूछा गया था, तो इसको हम नहीं देखेंगे, अगला क्वेश्चन स्टैटिक है, इसको आप लिख के रख लें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो होता है आपका, आपको पता होगा एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी उसकी स्थापना, आप इसको याद रख लें। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो प्रार्थना समाज हमारे 1920 सेंचुरी में कई सारे आंदोलन हुए थे, सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, उसमें एक समाज था, वेरी इंपॉर्टेंट समाज, जो मुंबई में बना था, महाराष्ट्र में बना था, 1867, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखना इसको, कब बना था, 1867 में बनाया किसने था, तो दो तीन लोग थे जिनमें आपको नाम याद रखने हैं, आत्मारंग पांडुरंग, कौन थे, जिन्होंने प्रार्थना समाज बनाया था, तो आत्मारंग से आप इसको याद रख लो, केशव चंद्र सेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, केशव चंद्र सेन, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, ये लोग थे जिन्होंने प्रार्थना समाज क्या करा था आपका, बनाया था, कब बनाया था, 1867 में बनाया था, कहाँ पर बनाया था, बॉम्बे या मुंबई या महाराष्ट्र में आपका बना था एक, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, प्रार्थना समाज से फिर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, 1867 में आत्मारंग पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, ये दोनों के नाम याद रखोगे आप इससे रिलेटेड, ठीक है, बना कब था, 1867 में, कहाँ पर बना था आपका, मुंबई में बना था, ठीक है, तो तीन फैक्ट आप याद रखना इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन फिर पूछा है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से पूछा है, और आप देख सकते हो कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, बताइए ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा ऐसा भाग है संविधान का जो आपका वित्त से संपत्ति से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था, अभी अभी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का 11 पार्ट जो है जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, 11वां जो भाग है वो किससे रिलेटेड है, आपका संघ और केंद्र के बीच, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है उनसे रिलेटेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो 12वां पार्ट है वो भी इसी चीज से रिलेटेड है, बस इसमें क्या दिया गया है, फाइनेंस के बारे में दिया गया है, वित्त के बारे में दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका 12वां पार्ट हो जाएगा। अभी हम पढ़ के आए 10वां पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेटेड है, तो 10वां पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेटेड है, आपका SC ST से, जो आपकी क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनसे रिलेटेड कौन सा पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट है, ठीक है, तो आप इसको याद रखें। अगर हम बात करें तो 6वां पार्ट, तो 6th पार्ट में स्टेट गवर्नमेंट है, पूरी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में जितनी भी चीजें आती हैं उनकी, राज्य की विधायिका, राज्य की जो सब चीजें आती हैं वो सब की सब कहाँ पर दी गई हैं, आपकी 6th पार्ट में, कि 5th पार्ट में आपकी क्या है, पूरी की पूरी सेंट्रल है, याद रखना, 5th पार्ट में सेंट्रल है, 6th पार्ट में स्टेट है,
राज्य है, तो इससे आप याद रखना, फिफ्थ पार्ट में पूरा का पूरा केंद्र है और सिक्स्थ पार्ट में पूरी के पूरी क्या है, राज्य है, और सेवेंथ पार्ट में यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये तीन का पेयर है, आप इस तीन के पेयर को देखो अलग अलग याद करोगे ना, तो ये आपसे कभी याद नहीं होगा और भूल भी जाओगे। तो आप ऐसे याद करो, फिफ्थ पार्ट में केंद्र है, सेंटर है, सिक्स्थ पार्ट में स्टेट है, और सेवेंथ पार्ट जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। तीन ही चीज़ें हो सकती हैं आपकी, पता है आपको, एक तो राज्य होगा, केंद्र होगा, स्टेट होगा, और यूनियन टेरिटरीज होगी, या आपकी ठीक है संघ शासित क्षेत्र होंगे। तो अगर हम बात करें तो फिफ्थ में सेंटर है, सिक्स्थ में स्टेट है, और सेवेंथ पार्ट में क्या है आपकी, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो इससे आप पार्ट्स को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। अगले पार्ट की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइना माइना के क्वेश्चन पूछे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते और आएंगे भी तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको छोड़ ही दो। अगला पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताए साधु वेट आइलैंड ये कहाँ पर है। तो साधु वेट आइलैंड आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इसी पर ही आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो अभी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है भारत की, सबसे बड़ी मूर्ति है, ऊंची सॉरी, वो इस आइलैंड पे बनाई गई है। किस आइलैंड पे बनाई गई है, साधु बेट आइलैंड पे क्या है आपकी बनाई गई है, जो कहाँ पर है आपका, गुजरात में है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे, होप आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से नोट करी होंगी। ऐसे ही बने रहिए, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, सभी पेपर के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।